दोस्तों, क्या कभी आपने उड़ने वाला सांप देखा है जो हवा में उड़ते उड़ते ही अपना शिकार कर सकता है? और क्या कभी आपने ऐसा सांप देखा है जिसकी पूंछ पर मकड़ी लगी होती है, जिसका उपयोग यह सांप अपना शिकार पकड़ने के लिए करता है? और कभी आपने दो मुंह वाला सांप देखा है जो कि दुनिया का सबसे रियलिस्ट सांप है? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे रियलिस्ट स्नेक लेकर आया हूँ जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को दुनिया के कुछ ऐसे सांपों के बारे में बताने वाला हूं जो लाखों करोड़ों में से एक हैं और सबसे अनोखे भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडर टेड हॉर्नेट वाइपर की। दोस्तों, अब आप नेचर के एक और चमत्कार को देखिए, जहां यह सांप अपनी पूंछ को जाल बनाकर शिकार को अपने जाल में फंसाता है। क्योंकि इस सांप की पूंछ की आकृति कुछ इस प्रकार की है कि वह किसी जीव या मकड़ी की तरह दिखाई देती है। जब इस सांप को शिकार करना होता है तो यह एक जगह बैठकर अपनी पूंछ को हिलाता है और अपनी पूरी बॉडी को स्थिर रखता है। जैसे ही कोई जीव या पक्षी इसे भोजन समझकर इसे खाने आता है, यह सांप उसे ही अपना भोजन बना लेता है। इससे शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। यह सांप अपना शिकार हमेशा ऐसे ही करता है, जिससे इसे अपना भोजन एक जगह बैठे बैठे ही मिल जाता है। इस सांप की खासियत यह है कि यह सांप ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और यह किसी को दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि इसका कलर और टेक्चर है ही कुछ इस टाइप का, जो कि इन्हें छिपे रहने में बहुत मदद करता है। यह स्नेक इतने रेयर होते हैं कि आपको बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब मिलिए इस डबल हेडेड स्नेक से। इस स्नेक का जन्म नोरिडा में हुआ है। यह सांप अपने आप में इसलिए रियरिस्ट है क्योंकि यह अल्बिनो प्रजाति का है और ऊपर से इसके दो सिर भी हैं, और यह दोनों ही बातें इस सांप को बेहद ही दुर्लभ बनाती है, जबकि इसके शरीर का बाकी हिस्सा एक ही है और यह अपने दोनों सिरों से एक ही समय में अलग अलग भोजन कर सकता है और अलग अलग पानी भी पी सकता है। यह सांप इतना रियर है कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको सांप पसंद है या ड्रैगन, या आपको दोनों ही पसंद है? क्योंकि अगर आपको दोनों पसंद हैं तो आपको यह स्नेक बेहद ही पसंद आने वाला है, क्योंकि इस सांप की बनावट बिल्कुल ड्रैगन के जैसी है। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला यह सांप की स्किन बिल्कुल ड्रैगन के जैसी है। आपको इस स्नेक के अलग अलग कलर और वेरिएंट मिल सकते हैं। यह ज्यादातर छोटे जीव या छिपकली को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं यह सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो उपचार न मिलने पर मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब बारी है मेलागोसी लीफ नोज स्नेक की। दोस्तों, सांप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस सांप को आपने शायद ही कभी देखा होगा। यह सांप देखने में किसी पेड़ की सूखी पत्ती के जैसा दिखाई देता है। इसका कलर और इसकी लंबी नाक इसे छुपाए रखने में काफी मददगार साबित होती है। यह सांप पूरी दुनिया में केवल मेडागास्कर आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। यह सांप ज्यादातर गिरगिट का शिकार करते हैं। यह सांप जहरीले नहीं होते। दोस्तों, अब बात करते हैं पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक की। इस सांप का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यह सांप जरूर उड़ने वाला ही होगा। जी हाँ, यह सांप वही है जैसा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। यह सांप उड़ते नहीं है, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते समय उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह सांप जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है तो हवा में अपने शरीर को फैला लेता है, जिससे यह काफी दूर तक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता हुआ जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉर्नेट डिजर्ट वाइपर की। कहते हैं ना, कुदरत ने हर किसी को इतना काबिल बनाया है कि अपना जीवन जी सके। हर जानवर की अपनी खासियत और खूबी होती है। कुदरत ने किसी को ठंडी जगह पर रहने की खूबी दी है, तो किसी को गर्म रेगिस्तान में जीने की काबिलियत। ऐसा ही एक सांप है जो अपनी निराली विशेषता के लिए जाना जाता है। यह सांप दुनिया का एकलौता ऐसा सांप है जिसके सिर पर 2 सिंह होते हैं। इसे ज्यादातर लिजर्ड वाइपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बेहद ही जहरीला सांप होता है। रेगिस्तान में रहने की वजह से इसका रंग भूरा और रेतीला होता है। यह रंग इसे शिकारियों से बचाने में बहुत मदद करता है और इसी रंग की वजह से यह अपना शिकार भी आसानी से कर पाता है। दोस्तों, अब बारी है अल्बिनो एडर स्नेक की।
यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। यह सांप झाड़ियों और मैदानों के पास पाया जाता है। यह सांप हमेशा शिकार की तलाश में ही रहता है। यह सांप छोटे रेप्टाइल्स को अपना भोजन बनाता है और यह अधिकतर अपने आप को पत्तियों में छिपाकर शिकार करता है। यह अपने शिकार में अपने दांतों की मदद से जहर छोड़ देता है, जिससे शिकार की तुरंत मौत हो जाती है और यह उसे अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रैगन स्नेक की। यह सांप देखने में बिल्कुल एक ड्रैगन जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर उभरी हुई डिजाइन होती है, जिसकी वजह से इसका नाम ड्रैगन स्नेक पड़ा है। यह प्रजाति ज्यादा कलर में नहीं पाई जाती। इस सांप के काटने पर किसी भी व्यक्ति की मौत तो नहीं होती, लेकिन उस जगह पर गहरा घाव जरूर बन जाता है, जिसे ठीक होने में काफी समय लगता है। इस सांप की लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। वैसे आपको इनमें से सबसे बेस्ट स्नेक कौन सा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।